हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करें कि सर सेंटर ऑफ मास होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट, इसका अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास, जहां से इसको बैलेंस करेगा तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। नंबर वन पॉइंट आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ मास जो हो सकता है विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी लाइक कर सकता है। ये नहीं कि सर सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के इनसाइड लाइक रहेगा, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे अब इसका जो कंसेप्ट है, डेरिवेशन है, वो कंप्लीट हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो रिजल्ट है आर सी एम सेंटर ऑफ मास एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय में एम वन प्लस एम टू, ये डेरिवेशन वो किस टाइप से आएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डेफिनेशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इसको सी ओ एम भी बोल देते हैं, मीन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज दैट पॉइंट वेयर द एंटायर मास of the system is supposed to be concentrated। ये वो पॉइंट है जहां पर उस बॉडी का एंटायर मास सपोज किया जाए कि वहां कंसंट्रेट करेगा, वहां लाई करेगा, वहां एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला रहेगा, अभी लिखा है आर सी एम एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय में एम वन प्लस एम टू। हम इसको इसका प्रूफ करते हैं कि किस टाइप से ये इक्वेशन डिराइव होगी, तो देखिए से अब इसका प्रूफ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पेस के अंदर बात करते हैं, कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिए एक्स, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। सपोज We have a system of two particle, particle one, particle two, A, B. Position vector r1, position vector r2. इन दोनों को मिला दिया। अब जो A जो body है इसके ऊपर हमने माना कि F1 को external force act किया और B के ऊपर कोई force F2 external force act हुआ, ठीक है? तो उससे होगा क्या? देखिए इसे बस पहले हम लिख देते हैं, consider a system of two particles A and B having masses M1 and M2 are situated at the position vector R1 and R2 respectively। तो ये तो बात हुई इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हम लेकर चले हैं। अब ये देखें सहबस, दो पार्टिकल हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, मासेज इनके M1 और M2 हैं। अब फर्स्ट बॉडी जो है उसका मोमेंटम चेंज कौन करेगा? एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो फर्स्ट पर लगेगा, नंबर टू जो सेकंड जो बॉडी है ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। अब दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे का मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। अब बाहर से टीचर आ गया, टीचर ने दोनों के दो दो थप्पड़ लगाए, तो उससे क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन आपस में भी तो चेंज हुआ ना। तो वो सभी बातें यहाँ पर रिलेट करके आपको चलनी, समझ में आना चाहिए कंसेप्ट की है क्या। ओके, तो देखिए से बस यहाँ से फर्दर जो इक्वेशन होगी वो किस टाइप से होगी। कंप्लीट डेरिवेशन हम इसका कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, तो किस टाइप से होगा? तो देखिए से बस हम बात कर रहे हैं पहले कि फर्स्ट का मोमेंटम चेंज हुआ dp1 डिवाइडेड बाय dt। किसने किया फर्स्ट का मोमेंटम चेंज? नंबर वन एक एक्सटर्नल फोर्स सर यहाँ एक्ट हुआ f1, नंबर टू यहाँ इंटरनल फोर्स लगे हुए इन दोनों के बिटवीन f12 होता क्या है? वेयर f12 है क्या? ये f12 देखिए से बस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वन, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वन बाई टू।
वन पे फोर्स लगा और टू ने अप्लाई किया, ये बात है बेटा एफ वन टू। एंड एफ टू वन क्या है, इंटरनल फोर्स है दोनों के दोनों, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू बाय वन, ये टू पे फोर्स लगा, वन अप्लाई किया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ को ऑब्वे करते हैं, एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन होगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, इंटरनल फोर्सेज है बेटा दोनों के दोनों, कौन से फोर्सेज है इंटरनल। तो देखें सहवास इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, यहाँ से पी वन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी एम वन वी वन दैट इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन टू, इक्वेशन नंबर वन। नाउ ऑन द सिमिलर वे तो देखें सहवास इसी टाइप से अगर सेकेंड का मोमेंटम चेंज होगा डी पी टू बाई डी टी, वो कौन चेंज करेगा, F2 जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है 2 के ऊपर प्लस F21 जो 1 ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया इंटरनल 2। अब देखें शाबाश इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी m2 v2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। तो देखें शाबाश यहां से क्या बनता है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो d बाई डी टी एम वन वी वन प्लस डी बाई डी टी एम टू वी टू डैट इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ वन टू प्लस एफ टू वन, तो ये इक्वेशन हो चुकी। अब आपको लिखना है वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसा लिखने के बाद आप लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को देखें शाबाश, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा d बाई डी टी एम वन वी वन प्लस डी बाई डी टी एम टू वी टू दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दोनों एक्सटर्नल फोर्स यहाँ बच चुके हैं। ओके उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इतना करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, अब d by dt आप क्या कर सकते हैं, यहां से जो d by dt है m1 as it is, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है सभी को पता है, प्लस d by dt मास m2 into में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट That is equal to F1 plus F2 को आप F external लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों external force है। यहाँ से आप लिखना चाहे तो d by dt को बाहर निकालो, क्या बनेगा d square by में dt square M1 R1 plus d square by dt square M2 R2 That is equal to F external, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, इसको पूरे को ही common इस टाइप से लिख लिया M1 R1 plus M2 R2 that is equal to F external, ठीक है, external force। अब इस equation में क्या किया, multiply और divide की, किससे M1 plus M2 से multiply, उतने से divide। अब constant इसको चाहे differentiation के अंदर लिखें चाहे बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो F external है, force का formula क्या होता है, mass into acceleration, acceleration means dv by dt, it means d square r by में dt square, okay? तो यहां से कंपेयर कर दो इनको, यहां इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ये, तो क्या है कि देखो शाबाश m1 plus m2 d square by dt square m1 r1 plus m2 r2 divided by में m1 plus m2 into क्या बनेगा, तो देखिए तो यहां से ये वैल्यू जो थी m इंटू डी स्क्वेयर आर बाय में डी टी स्क्वेयर, तो कंपेयर करेंगे तो ये एम के इक्वल आ गया, मास आ गया कितना, एम टोटल मास कितना दोनों पार्टिकल का एम वन प्लस एम टू। अब डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर किसका, आर का, तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आर इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ये वैल्यू आ गई इसकी। ओके तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ स्पेशल केसेस हम इसके कर लेते हैं। नंबर वन, जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होगा, इट चेंज
ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल जब मोशन होगी उस केस में चेंज होगा, बट डज नॉट चेंज इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर टू, इफ मासेज अगर सेम हो जाए दोनों के तो उस केस में क्या होगा, आर सी एम, तो m into r1 plus m into r2 divide by m plus m means r1 plus r2 by 2, उनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो ऑब्जेक्ट है, मास है 10 kg, ये मास है 10 kg, और सेंटर ऑफ मास पूछा जाए बिल्कुल मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो अभी वो डायग्राम, तो उसमें सेंटर ऑफ मास उसी लाइन ऑफ एक्सिस पे होगा जहाँ ए और बी को मिलाया गया है, और सी कोई वो पॉइंट होगा जहाँ पर सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा। अब देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अब जो पार्टिकल्स हैं, अब तो हम दो लेकर चले हैं, अगर दो से ज्यादा पार्टिकल हो तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, और एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई में क्या होगा, और जेड में क्या होगा। तो देखिए बस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देखिए बस, consider we have a system of n particles having masses m1, m2, m3 up to ma, okay, having position vector r1, r2, r3 up to rn respectively। तो इस टाइप से हमने n पार्टिकल्स लिए, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, फॉर टू बॉडी सिस्टम जो अभी सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था वो क्या आया था, m1r1 + m2r2 / m1 + m2। अब इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए फ्रॉम इक्वेशन वन, RCM नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, m1r1 + m2r2 + m3r3 up to mn rn डिवाइडेड बाय में जितने भी पार्टिकल्स उन सबका मास, m1 + m2 + m3 up to mn, ओके। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, समेशन mi डिवाइडेड बाय में समेशन mi i1 to n। इसका मीनिंग क्या होता है ये समझिए, ऐसा जब भी लिखा जाता है सबसे पहले i की जगह 1 पुट किया जाता है, प्लस का साइन, फिर आप 2 पुट करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इसी प्रकार आप पुट करते चलेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। वे ri क्या है, xi yi ji, ठीक है। जो ri जो वेक्टर है यहाँ पर, ये ri तीनों को ही रिप्रेजेंट किए हुए, xi i cap + yi j cap + zi k cap, तीनों डायरेक्शन में ही, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और तीनों के तीनों डायरेक्शन के अंदर है। अगर हम बात करें xcm, हमें फाइंड आउट करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो xcm कैसे फाइंड आउट होगा, तो xcm के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन mi xi डिवाइडेड बाय में मास, मास टोटल ही हो जाना है यहाँ पर, ठीक है, जितने पार्टिकल सबका मास ऐड कर देना है। वाई सी एम क्या होगा, समेशन mi yi डिवाइडेड बाय में, ठीक है, i1 to n। जेड सी एम क्या होगा, समेशन mi zi डिवाइडेड बाय m, i कहाँ से, 1 से। तो ये फॉर्मूले रहेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। अगर जो मास है वो स्मॉल पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट है तब उस केस में क्या होगा, इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिस्टम, देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ
कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो मास था वो स्मॉल है अब यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स सी एम जो होगा उस केस में क्या होगा, वन बाई एम तो बाहर आ गया, इनटू यहां पर क्या लिखते थे एम इनटू, इस टाइप से लिखते, तो यहां पर डी एम इनटू आर आपको लिखना है, ठीक है। डीएम, डीएम क्या स्मॉल वो मास है उसकी वैल्यू यहां पर लिखी गई है, ठीक है। अगर एक्स में कोऑर्डिनेट तो एक्स डीएम लिख दोगे, वाई में है तो वाई डीएम लिख दोगे, जेड में है तो जेड डीएम लिख दोगे, आर में है तो आर, इस टाइप से आप उसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, फाइंड आउट एक्स सी एम एंड वाई सी एम, ठीक है, फ्रॉम द फिगर। अब मैं फिगर यहां बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स सी एम और वाई सी एम निकालना है। सपोज इस टाइप से कोई सिस्टम है, यहां मास है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ओके। यहां तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4 cm, दिस इज अबाउट 2 cm, ये गिवन है। तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट बनाइए, यहाँ कोऑर्डिनेट ओरिजिन 0 0 मान के चलेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट पर 4, 0, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे x 4 है और y कितना यहाँ पर 2, 4, 2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट कितना 2। तो फॉर्मूला आपको बेसिक सा यूज करना, एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। तो देखिए शाबाश क्या आएगा, एम वन कितना है मास 1 kg, एक्स का कोऑर्डिनेट 0, ये है एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स वन, ये है एक्स टू, ये है एक्स थ्री, ये है एक्स फोर। सेकेंड मास कितना 2, कोऑर्डिनेट कितना 4, थर्ड मास कितना 3, कोऑर्डिनेट कितना 4, नेक्स्ट मास कितना 4, कोऑर्डिनेट कितना 0 डिवाइडेड बाई में मास 1 + 2 = 3 और 3 = 6 और +4 = 10। तो कितना आंसर आया 0 हो गया, 8 + 12 कितना आ गया 20/10 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स सी एम आ गया 2। तो वाई सी एम क्या आप निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं एम वन वाई वन 0 प्लस एम टू कितना है 2, वाई टू कितना 0 प्लस एम थ्री कितना 3, वाई टू कितना 2 प्लस एम फोर कितना 4, वाई टू कितना है वाई फोर कितना 2 डिवाइड बाई में 10 कितना हुआ 6 + 8 कितना हुआ 14 डिवाइड बाई में 10 मीन्स 1.4। अगर मीटर में है तो मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, क्या आंसर आया आपके पास 2, 1.4, ये पोजिशन होगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ओके। उम्मीद करता हूँ आप ये इजिली निकाल देंगे, हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। वो पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया, ड्रॉ कर दिया, ओके। ये मत कहना कि सर हमेशा ही बिल्कुल मिड में होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम नहीं है, 1 kg 2, 3, 4 मतलब इसको डिफरेंट किया गया, सेम यहाँ नहीं। हेलो बच्चों, क्लास 11th चैप्टर सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो लास्ट वीडियो हमने अब तक जो पढ़ा उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि आर सी एम जो है सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ये था टू सिस्टम पार्टिकल के, ओके। यहाँ से फिर हमने पढ़ा अगर स्मॉल मास है तो उस केस में जो आर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/m और dm इंटू आर, आर बोल सकते हो, एक्स बोल सकते हो, वाई है तो वाई के अंदर बोल सकते हो, इस टाइप से हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो आइए शाबाश हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का हम केस करते हैं, तो रिजिड बॉडी में होता है क्या, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी या डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, द पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी
यहाँ ऐसा लिखते हैं बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिजिड बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो देखिए इसे बस एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर ए यूनिफॉर्म रोड, तो यूनिफॉर्म रोड का एक केस लेकर चलते हैं, उसमें देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ आएगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास फॉर ए यूनिफॉर्म रोड, फॉर ए यूनिफॉर्म रोड। तो देखिए से अब सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो इस केस में सपोज ये कोई रोड है जिसकी लेंथ है एल और मास जो इस रोड का वो है एम। हमने ऐसा कंसीडर किया यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो है जीरो जीरो, यहाँ लेंथ एल है तो यहाँ कोऑर्डिनेट होगा बेटा एल कोमा जीरो। ठीक है, इस टाइप से एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान सकते हैं इसको, एक्स दैट इज वाई। अब ये देखें सर, इसका स्मॉल पार्ट मैंने ये कट किया, ठीक है, लेंथ क्या इसकी डी एक्स, मास क्या इसका स्मॉल है तो स्मॉल डी एम, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है एक्स। ओके नो प्रॉब्लम, स्मॉल पार्ट कट करेंगे उसको डी एम मानेंगे मास, और लेंथ है एरिया है तो डी ए लिखेंगे, लेंथ है तो डी एक्स लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके तो देखें सर बस यहाँ से होगा क्या, नाउ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हम निकाल रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म रोड। तो फॉर्मूला क्या है सर, बस इस यूनिफॉर्म रोड के लिए सेंटर ऑफ मास आर सी एम दैट इज इक्वल टू वन बाई एम जो टोटल मास है, इंटीग्रेशन डी एम इंटू साथ में क्या आएगा जो भी डिस्टेंस है एक्स है तो एक्स आप लिखेंगे, यहाँ तक एक बात कंप्लीट हुई। नंबर टू आपको क्या ध्यान रखना बेटा, जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे तो डी एम आपको निकालना होगा, और कैसे निकालेंगे तो वो बात यहाँ याद कर लेना, समोल बाई समोल इज इक्वल टू लार्ज बाई लार्ज। समोल क्या है यहाँ जिसको निकालना डी एम, समोल क्या है डी एक्स, लार्ज क्या है मास, मास है तो मास ध्यान रहे, लेंथ है तो लेंथ, तो डी एम की वैल्यू क्या आई एम बाई एल इंटू डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आर सी एम क्या होगा वन बाई एम इंटीग्रेशन एम बाई एल एक्स था साथ में डी एक्स, कहाँ से का इंटीग्रेशन जीरो टू एल। तो देखिए सब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कांस्टेंट है एम से एम कैंसिल तो वन बाई एल इंटीग्रेशन किसका एक्स डी एक्स का। तो बताएं सब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता आप सभी को क्या होगा इंटीग्रेशन, एक पावर सर ऐड हो जाएगा वही लिखते हैं, बिल्कुल राइट बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एल। अब क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वन बाई टू इंटू एल स्क्वायर बाई टू, एक ये क्या था एल, एक एल से एक एल कैंसिल, क्या आया आंसर एल बाई टू। तो एल बाई टू के कहाँ होगा, यही तो कहीं इस पॉइंट पर जो एल बाई टू होगा, सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का मास एम है तो उसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ होगा, सेंटर मिड पॉइंट पर होगा, मैंने ये आपको पहले ही बताया था, तो कहाँ होगा बिल्कुल मास यहाँ, अगर यहाँ मास डिफरेंट है यहाँ मास कम है तब यहाँ नहीं होगा बिल्कुल सेंटर पे, बात आप याद रख लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस कैप का मास ज़्यादा है ये तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो यूनिफॉर्म कब होगा अगर यहाँ इस कैप में ये अगर नहीं है तो ये यूनिफॉर्म का केस होगा, यहाँ तक यूनिफॉर्म में कैप अगर लगा रखे तो इसका मास यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा बेटा इसका जो एक्सप्रेशन थी सेंटर ऑफ मास की, तो कितनी आई एल बाई टू कोमा जीरो। ठीक है, सिंपल था, आसान था, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं आई होगी। अब देखिए इससे अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास तो हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो उसकी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए सहबास मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखें सहबास आर सी एम का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, दोबारा फिर लिख देता हूँ, आर सी एम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा वन बाई एम समेसन एम आई आर आई, इस टाइप से लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सहबास एम आर सी एम
इज इक्वल टू, यहाँ अगर 1 2 3 पुट करेंगे तो इस टाइप से लिखें M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अप टू MnRn। क्लियर। अब जो ये इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अज्यूमिंग मासेज ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा मान के हम चले कि जो m है मास है ये चेंज नहीं होंगे, तो डिफरेंशिएशन मुझे बताएं बेटा m एज इट इज डी आर सी एम बाई डी टी, यहां अगर करेंगे तो m1 dr1 बाई डी टी प्लस m2 इंटू dr2 बाई डी टी प्लस m3 इंटू dr3 बाई डी टी अप टू mn drn बाई डी टी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, आप सभी को पता है, तो हम इसको mvcm लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस mn vn। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब जो इक्वेशन है इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएशन, तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए शाबाश, डिफरेंशिएट दिस, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, एम इन टू डी वी सी एम बाई डी टी प्लस m1 dv1 बाई डी टी प्लस m2 dv2 बाई डी टी प्लस m3 इंटू dv3 बाई डी टी, ऐसे चलेगा अप टू mn dvn बाई डी टी। तो मुझे बताएं शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग, ठीक है, m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू mn an। तो इस टाइप से हमने इसके बारे में पढ़ा। अब मास इंटू एक्सेलरेशन तो हम पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ क्लास से, क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, तो ये फोर्स बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट f1 F2, F3 अप टू Fn। तो ये था बेटा इसका रिजल्ट, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल जो पार्टिकल है उन दोनों उनके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको इस टाइप से इस फॉर्म में लिख दिया है वेक्टर के अंदर। तो ये था बेटा किसके अंदर, मोशन हम पढ़ रहे थे, तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब देखिए शाबाश, हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स की वजह से जो लीनियर मोमेंटम होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए शाबाश, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 m3 अप टू mn मूविंग विद वेलोसिटी v1, v2, v3 अप टू vn रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया, ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए शाबाश, अब हम अगर बात करें लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा m1 v1। सिमिलर वे में लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल अगर बात करें तो वो क्या होगा, सेकंड पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम होगा m2 v2। सिमिलर वे में अगर बात करें लीनियर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल,
ठीक है, nth पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो वो होगा बेटा एम एन वी एन। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पी टोटल मीन्स नेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो होगा इन सभी का सम एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री अप टू एम एन वी। तो इसको हम पी टोटल को मास इंटू वी सी एम लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो वो होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री अप टू एम एन वी। तो ये जो लीनियर मोमेंटम हुआ पी इज इक्वल टू एम वी सी एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसको हम यहां से इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी, यहां से जो हुआ इसको हम लिख सकते हैं पी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम इंटू वी सी एम। ओके, नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, डी पी सी एम डिवाइड बाय डी टी एम इन टू में डी वी सी एम बाई डी टी। ठीक है, और ये होता है क्या, तो फोर्स हमने पढ़ा है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी हम पढ़ते आ रहे हैं। इफ एक्सटर्नल जो फोर्स है यहाँ जो एक्ट हो रहा है दैट इज इक्वल टू जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन, तो उस केस में क्या होगा, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो डी पी सी एम बाई में डी टी ये भी क्या होगा, जीरो। अगर किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो बेटा ध्यान रखना वो टर्म क्या होती है, या तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं या फिर कंजर्व्ड बोलते हैं, कंजर्व्ड इन नेचर। ओके, तो ये कांस्टेंट या कंजर्व्ड हुई यहाँ पर नेचर के अंदर। नंबर टू, ये अगर जीरो है तो हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ से एम डी वी सी एम बाई डी टी इट ऑल्सो इक्वल टू जीरो, बट जो मास है वो जीरो नहीं हो सकता। जीरो कौन हो सकता है बेटा, डी वी सी एम बाई डी टी। ठीक है, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन अगर जीरो तो वो टर्म क्या होगी, कांस्टेंट या कंजर्व, दैट टर्म इज कांस्टेंट या फिर क्या बोलेंगे उसको, कंजर्व्ड इन नेचर। तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि कभी भी जब मोशन होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है अबाउट सेंटर ऑफ मास इन ट्रांसलेशनल मोशन, अगर बात करें जो वेलोसिटी होगी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा, कंजर्व्ड इन नेचर। अब तक जो हमने टॉपिक किए हैं वो धीरे धीरे आप कवर अप करते चलें, क्योंकि आगे जो है इन्हीं के बेस पे थोड़ा आगे इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा लेवल को। तो हमने सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा, रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसके जो इंटरनल पार्टिकल जिससे मिलकर बना सिस्टम, अगर उनके बीच की डिस्टेंस वेरी ना करे, चेंज ना हो, तो उस केस को बोलते हैं बेटा, उस बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। रियल में वैसे तो रियल लाइफ में अगर बात करें तो रिजिड बॉडी कोई होती नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको दो या तीन बार कम से कम आप लिख के देखें सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अंदर आप क्या क्या करेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन क्या है सर, कहाँ लाई करता है, उसके बाद इसका कंप्लीट डेरिवेशन सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस दिस एम वन एम टू, तो ये सभी बातें आप लिखकर उसका कंप्लीट डेरिवेशन करें किस टाइप से होगा। तो लास्ट जो रिजल्ट है आर सी एम इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। फिर हमने ड्यू टू ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हेल्प से निकाला, फिर हमने स्मॉल मास की हेल्प से निकाला, फिर हमने रोड का केस किया आज के इसी लेक्चर के अंदर, फिर लीनियर मोमेंटम के बारे में जाना, मोशन के बारे में जाना। तो यहाँ तक हमारा एक बार कंप्लीट हुआ है। ठीक है, दो तीन वीडियो ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो इसके अंदर आप आराम से करके इतना जितना पोर्शन हुआ है इसको अच्छे प्रकार से करें, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। तो मेरा वादा आपको बिल्कुल आप 100+1% करेंगे इसको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट के साथ।